नमस्ते दोस्तों, मैं झुमा घोष, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सब्जी जो टोटली भेज है। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। हम फूलगोभी लिए मीडियम साइज का, चार मीडियम साइज का आलू लिए हैं, हाफ कैप्सिकम लिए हैं जो बारीक कट के रखे हैं, दो बांच धनिया पत्ता लिए हैं, एक टमाटर लिए मीडियम साइज का, एक इंच अदरक लिए, दो हरी मिर्च लिए, अगर आप ज़्यादा तीखा खाएंगे तो और ज़्यादा ले सकते हैं, दो टेबलस्पून किशमिश लिए हैं जो एक घंटा पहले भिगो के रखे थे जिससे पेस्ट इसका अच्छा होगा, 8-10 काजू बादाम लिए हैं और मगजदाना लिए हैं एक टेबलस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिए हैं, एक टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, थोड़ा सा शक्कर है आप टेस्ट के अनुसार लीजिए, नमक है, तेजपत्ता है, एक गर्म पानी लिए हैं, सनफ्लावर ऑयल लिए हैं। पैन गरम हो चुका, अब हम इसमें 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे, सनफ्लावर ऑयल लिए हैं। अब फूलगोभी हम पहले से थोड़ा गरम पानी में धो के रखे थे, आलू फूलगोभी को हम तेल में डाल दिए, करीब 12 मिनट समय लगेगा इसको फ्राई करने में, हम बीच बीच में इसको थोड़ा चलाते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक दे देंगे, एक टी स्पून हम नमक दिए हैं, आप आपके टेस्ट के अनुसार दीजिए, और फिर हम इसको ढक देंगे। हम एक पेस्ट तैयार करेंगे हरी मिर्च अदरक और टमाटर का, थोड़ा सा पानी देंगे, ये पेस्ट मेरा तैयार हो गया, ये देखिए करीब फ्राई हो चुका, थोड़ा सा बाकी है, अब हम इसको फिर ढक के रख देंगे। हम किशमिश काजू बादाम और मगजदाना का एक पेस्ट तैयार करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, ये पेस्ट मेरा तैयार हो गया, ये पेस्ट बहुत ही क्रीमी पेस्ट होगा, अब देख लेंगे, ये फूलगोभी भी पक चुका, टेस्ट करके देख लेंगे हम, ये देखिए फूलगोभी को हम थोड़ा सा चीर दिए थे इसका, इससे जल्दी पक गया, अब इसको हम निकाल लिए। पैन में हम 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे, तेजपत्ता दे देंगे और कैप्सिकम दे देंगे, हाफ कैप्सिकम है ये, एक बड़ी कैप्सिकम का, इसको थोड़ा सा नमक दे देंगे जिससे ये जल्दी फ्राई हो जाएगा, थोड़ा नरम हो जाएगा जल्दी। अब इसमें हम जो टमाटर का पेस्ट तैयार किए थे, टमाटर अदरक और हरी मिर्च, ये पेस्ट को हम दे देंगे, हम हाई फ्लेम में इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फ्लेम को हम हाई कर देंगे, फिर एक टीस्पून हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर दिए, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर देंगे, इसे मसाला को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, एक टीस्पून हम शक्कर दे दिए, आप आपके टेस्ट के अनुसार दीजिए, ये फ्राई हो चुका, अब हम इसमें पानी दे देंगे। हम जो काजू बादाम और किशमिश का पेस्ट तैयार किए थे उसके बाद जो पानी मेरा था वो पानी हम दे दिए, अब थोड़ा पानी गर्म हो चुका, अब इसमें हम फूलगोभी आलू दे दिए। अब 5 मिनट के लिए हम ढक कर पका लेंगे मीडियम फ्लेम में, ये देखिए करीब पक चुका, हम दे चेक कर लेंगे फॉक से। अब इसमें हम काजू बादाम किशमिश और यो पेस्ट को हम दे देंगे, थोड़ा सा पानी देंगे हम, इसमें करीब हम 250 ml पानी दिए थे पहले, अब धनिया पत्ता, दो बंच धनिया पत्ता टुकड़ा करके रखा हुआ था इसको हम ऊपर से दे देंगे, दे के 1 मिनट तक हम ढक के रखेंगे, 1 मिनट हो चुका, अब हम देख लेंगे ये पूरी तरह तैयार हो गया आलू गोभी की सब्जी। अब इसे राइस के साथ या रोटी पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, ये नो गार्लिक नो ऑनियन सब्जी है।